ट्रेनिंग की स्टार्टिंग यहां से होती है सबसे पहला जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन सर्वर प्रोविजनिंग पहले कंपनियों को सर्वर चाहिए क्यों पॉइंट ये आता है वाट कंटेनर छोड़ो अभी हर कंपनी को सर्वर चाहिए ये तो सबको मालूम होता है राइट right? सर्वर का मतलब सिंपल सा ये रहता है हमारी कंपनी में सर दे आर मल्टीपल एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमको रन करनी है डेटाबेस रन करना है हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग होनी है एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होना है मैटर रिक्वायरमेंट क्या रही है रिक्वायरमेंट कुछ भी होती है आई टी में डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोडक्शन डेटा बेस लॉक सर्वर मॉनिटरिंग सर्वर कोई भी सर्वर हो सकता है हमको मशीन चाहिए यार तो सर्वर प्रोविजनिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है एक सर्वर टीम बैठी होती है आईटी में उसका काम होता है जैसी रिक्वायरमेंट आती है सर्वर बना के देना सर्वर को प्रोविजन करके देना अभी तक की जो सर्वर प्रोविजनिंग थी अभी तक की सर्वर प्रोविजनिंग का हमारे पास एक ही तरीका था सब लोग जानते हो मार्केट में एक टर्म्स आया था वर्चुलाइजेशन अभी तक का एक तरीका था क्या वो टर्म्स रुको थोड़ा सा उसको रोकते हैं अभी अभी तक एक ही तरीका हमारे पास मशीन काटो मशीन प्रोविजन कराओ उसमें ओएस डालो और ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसको जो चाहिए जावा चाहिए पाइथन चाहिए जे चाहिए टॉमकेट चाहिए जैसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आती है जिस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए सिस्टम एडमिन की टीम दे विल कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और उस मशीन का हैंड आपको कर देती है ये लो ये आपका मशीन है अब इसमें क्या चलाना है एप्लीकेशन टीम नाउ दे कैन पुट एप्लीकेशन ये है अभी तक का प्रोसेस मशीन बनाओ और मशीन बना के किसी टीम को दे दो अब वो टीम उसमें क्या करेगी दे विल पुट रियल टाइम एप्लीकेशन दे वॉन्ट टू रन टेस्टिंग डेवलपमेंट ये मैटर नहीं करता वी आर फ्रॉम प्रोविजनिंग टीम सो आवर जॉब ओनली टू प्रपेयर मशीन एज पर रिक्वायरमेंट लेकिन हमारे पास सर टेक्निक क्या थी अभी तक हम जो मशीन दे रहे थे क्या हम हार्डवेयर पूरा प्रोवाइड करते थे नहीं फिजिकल का मार्केट तो बहुत पहले जा चुका है हम कभी फिजिकल सर्वर तो इंगेज करते ही नहीं है ये सबको पता होगा क्योंकि मार्केट में जब एक टर्म्स आया था क्या क्या आया था हार्डवेयर वर्चुलाइजेशन ये टेक्नोलॉजी आई मार्केट में इससे क्या हुआ था इससे ये हुआ था कि कंपनी करती क्या थी एक फिजिकल बॉक्स लिया सपोज दिस इज योर फिजिकल बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ डिस्क लगी हैं टेरावाइट हार्ड डिस्क हैं सी पी प्रोसेसर लगे हैं इसके अंदर तो हम लोग करते क्या आते सिंपल सा इसके ऊपर वी इंस्टॉल्ड हाइपरवाइजर जिसको बाउंस करे कि सर ये वर्ड बोल रहे हाइपर हाइपरवाइजर क्या होता है पूछ लेना बट मुझे लग रहा है आपको पता होगा ठीक है हम अभी तक क्या करते थे अभी तक बिफोर कंटेनर देर इज सिंगल वे वी इंस्टॉल्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर एक्चुअल देर इज सॉफ्टवेयर विच रनिंग ऑन योर फिजिकल सर्वर इट्स अ सॉफ्टवेयर ये एक सॉफ्टवेयर है जो फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है जिसके आने से बेनिफिट क्या हो गया साइमन नाउ वी कैन रन मल्टीपल गेस्ट ओएस कंपनी नाउ दे आर हैप्पी कंपेयर टू अल्डियर कि पहले क्या था एक ही मशीन हार्डवेयर को हम लोग रिजर्व करते थे एक हार्डवेयर तुम्हारा एक हार्डवेयर तुम्हारा वो मार्केट चला गया जब आया वर्चुअलाइजेशन तो वो बेनिफिट लेके आया कि एक ही हार्डवेयर के अंदर कंपनी नाउ दे कैन रन मल्टीपल गैस टूवे एक में विंडो एक में लिनक्स एक में जो भी चलाना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वन इट्स टू अच्छा हुआ सब लोग को लगा कि वर्चुलाइजन आ चुका है मार्केट में ऑन सिंगल हार्डवेयर वी कैन रन मल्टीपल गैस टू लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा हमने फिर फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि यार इसके आज भी इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वर्चुअलाइजेशन के आने से मार्केट में कौन कौन सी डिफिकल्टी सर सॉल्व नहीं हो पाई जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ी कंपनियों की रिक्वायरमेंट बढ़ी मशीन की तो हुआ क्या देखना एक बार हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग क्या बीएम बेस्ड प्रोविजनिंग अभी तक ये करते आ रहे हैं हम लोग क्या बस इसी कंपनी के पास कंपनी क्लाउड बेस्ड हो कंपनी ऑन प्रेम हो देर इज ऑनली वन वे टू प्रपेर मशीन की बी सेटअप करो उसमें जावा डालो पाइथन डालो लिनक्स डालो जो चाहिए आपको बना के मशीन को हैंड दे दो राइट right? लेकिन वर्चुअल मशीन बेस्ड प्रोविजनिंग अब उन कंपनियों को प्रॉब्लम करने लगी जिनके पास दे हैव दे नीड लौटा मशीन्स बात क्या आई कि सर अब मेरी कंपनी में डिमांड ओवेस की ज़्यादा हो रही है एक टीम बैठी है जिसको जावा करना है एक टीम बैठी है दे वॉन्ट टेस्ट पाइथन सॉफ्टवेयर एक टीम को माइसिकल चाहिए एक टीम को नोट जी चाहिए एक टीम को डॉट नेट चाहिए एक टीम को पाइथन का वर्जन डिफरेंट चाहिए एक को जावा का वर्जन लोअर चाहिए जब कंपनी ने क्या किया जब कंपनी दे स्टार्टेड फेस जब उनको लगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी बदल रही है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्टैटिक नहीं हो रही है दो मिनट पहले सॉफ्टवेयर था 1.7 का रिक्वायरमेंट चेंज हुई पुराना मशीन खत्म किया नया मशीन सेटअप किया फिर उसमें नए रिक्वायरमेंट सेटअप की तब उसको हैंड दिया तो प्रोविजनिंग टीम के जो बंदे थे ना उनको बहुत बड़ा पैनिक होना स्टार्ट हो गया पैनिक क्या था सबसे बड़ा पैनिक तो ये था पहला पैनिक अगर मेरी मशीन कंपनी में 100 पीएम की रिक्वायरमेंट आई ऐसा मान रहा हूं कि मुझे एक कंपनी सेटअप करनी है और उस कंपनी को कम से कम उस कंपनी की 100 रिक्वायरमेंट है 100 एप्लीकेशंस है दे हैविंग सम डेटाबेस दे हैविंग सम सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पाइ MySQL पाइथन PHP राइट सो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोविजन 100 मशीन्स ठीक है मैंने एक बार मशीन बना बना के आपको दे दी हंड्रेड बी दिया मैंने आपको हर बी में कम से कम मैंने एक जी रैम दे दिया एक सी पी यू टेन जी बी हार्ड डिस्क ये वो कॉन्फ़िगरेशन था ब्रदर जो तुम्हें कम से कम एक ओएस को प्रोविजन करने में देना पड़ा कम से कम ये तो अब एप्लीकेशन बाद में आएगी उसके ऊपर सो एप्लीकेशन को जो रैम चाहिए वो तो बाद की बात है अभी ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग है जो इंफ्रा को सेटअप करने में आपको देनी पड़ी कंपनी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कंपनी ने आपसे क्वेश्चन पूछा यू आर बेसिकली प्रोविजनिंग इंडिविजुअल ओएस आप हर टीम को एक एक ओएस दे रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा हर मशीन में एक जी बी रैम एक सीपीयू यू और टेन जी बी हार्ड डिस्क की जो कॉस्टिंग है ना वी नीड टू पे राइट पहला ऑब्जेक्शन कंपनी का होने स्टार्ट हो गया आप लोगों से कंपनी ने बोला ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप लोग आप हर स्टीम को हर इन्वायरमेंट को एक मशीन दे रहे हो पहला प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम हुआ कंपनी को अब आपकी भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी पता है क्या सौ मशीन को मैनेज करना सौ मशीन की हाई अवेलेबिलिटी सौ मशीन का मेंटेनेंस सौ मशीन की पैचिंग रोलिंग अपडेट समथिंग फेल डाउन उसको रिकवर करना रोल बैक करना उनके स्नैपशॉट लेना फिर स्नैपशॉट को रिस्टोर करना बैकअप लेना तुमको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि यार इतना बड़ा इंफ्रा हो गया यार अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ मैन पावर लॉट ऑफ मॉनिटरिंग लॉट ऑफ एफर्ट जितनी प्रोविजनिंग ज्यादा होगी उतना ही मेंटेनेंस यूजर मैन पावर मॉनिटरिंग मेंटेनेंस की डिमांड आना स्टार्ट हो गई कंपनी भी परेशान है क्यों दे आर पेइंग लॉट ऑफ कॉस्ट उनको इन्फा को बनाने में जो कॉस्टिंग देनी पड़ती है बहुत ज्यादा हो रही है और प्रोविजनिंग टीम के बंदे भी पैनिक में जाते हैं क्यों एक डिमांड आई जल्दी से जावा चाहिए पाइथन चाहिए हमको तुम एक ओएस काटोगे उसकी पैचिंग करोगे उसको सेटअप करोगे हार्डनिंग करोगे तब जाके उसको हैंड ओवर दोगे सो प्रोविजनिंग इट्स बिकम क्वाइट स्लो ऐसा बोलते हैं कि वर्चुअल मशीन की प्रोविजनिंग थोड़ी सी आज के टाइम पे ऑन डिमांड ऑन डिमांड की जो बात होती थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है सॉफ्टवेयर डिलीवरी इज गोइंग टू स्लो क्यों क्योंकि अभी प्रोविजनिंग हमारी बहुत ज़्यादा क्या है स्मार्ट नहीं है इंटेलिजेंसी नहीं है को को बनाने में में होने जो लगा, तो उस तक मेरी software को टेस्टिंग में करना पड़ा मुझे, right? so, simple सी बात मैं बोलूं अभी आप लोग डेवलपमेंट टीम से हो नहीं आपको पता नहीं कि रोलिंग आउट क्या होता है रोलिंग अपडेट क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है तो पूरा हमें पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म दोबारा रीबिल्ड करना पड़ता है वो चीलेंज आपने देखे होते ना तब आप बोल पाते कि आज तक सर ये प्रॉब्लम है मार्केट में जहाँ हम लोग फास्ट प्रोविजनिंग नहीं कर पा रहे ओवेस के थ्रू जो बी एम प्रोविजनिंग हो रही है उसमें डिफिकल्टीज हैं प्रॉब्लम्स आती हैं बट तुमको अभी क्या समझना है तुमको बस एक ही बात देखनी है अभी क्या बस तुमसे एक ही बात बोल रहा हूँ अभी जो और जो ड्रॉबैक्स हैं अभी तक के वो छोड़ दो कंपनी ने आपसे एक लाइन बोली बस सिंपल सी लाइन कैसे भी करके हंड्रेड मशीन की जगह पे आप लोग क्या लो मुझसे बस क्या लो सिंपल सी एक क्वेश्चन एक आपको मिला आपके आईटी लीड ने बोल दिया है कि आई कैन नॉट प्रोविजन हंड्रेड मशीन हम हार्डली आई कैन ओनली प्रोवाइड टेन मशीन ओनली फॉर यू वी वांट ऑप्टिमाइज कॉस्टिंग ऑफ नाइनटी बी That's it. तो मेरा एक बात आपसे पूछना पहले बताना मुझे दूसरी बी एम के अंदर चार एप्लीकेशन फिर, फिर थर्ड बीएम के अंदर तो वो एक ही मशीन के अंदर वाइटर साइमटेशनली ऐसा गलती कर क्यों रहा था बेसिकली तो so, इसमें बड़ी बात क्या है एक एक वस्कार्टो और एक एक बोलो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम अलग-अलग वर्चुअल मशीन बना रहे थे उसके अलग-अलग रिक्वायरमेंट थी हम ठीक है राम uh, सर एक और राम सर एक और क्वेश्चन था अगर हम मान लीजिए एक फिजिकल मशीन लेते हैं उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन करके मैंने पांच सिस्टम बनाई पांच पे अलग एप्लीकेशन है लेकिन अगर मेरा अभी जैसे फिजिकल मशीन पे एक डाउन टाइम आ गया तो पांचों पांच डाउन हो जाएंगी ये भी एक इशू हो सकता है अभी हाई अवेलेबिलिटी राम सर एक मिनट मुझे बोला था थोड़ा सा, प्लस प्लीज अभी हाई अवेलेबिलिटी स्किल अवेलेबिलिटी आई एम नॉट टचिंग द वर्ड राइट अभी देर इज ओनली वन प्रॉब्लम कंपनी सिंपल सी एक लाइन बोल रही है आप लोगों से कंपनी ने एक लाइन बोली है कि इन डेली बेसिस यू आर प्रोवाइडिंग हंड्रेड मशीन राइट बट जिससे क्या हो रहा है जैसे मैंने से काटी, मैंने, मैंने क्लाउड 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 से से मशीन मशीन काटी ली, तो मुझे अमेज़न को सौ मशीन का बिल पे करना पड़ रहा है अगर मैं अमेजन क्लाउड से दस बीएम एम लू सिर्फ तो कहीं ना कहीं क्लाउड प्रोवाइडर को हमें नब्बे मशीन कॉस्टिंग पे करनी नहीं पड़ी राइट right? तो अब मेरी क्वेरी ये थी आप लोगों से

एक ओएस के अंदर चलती है सो दे आर नॉट आइसोलेटेड दे सेमन लाइब्रेरी दे सेमन फंक्शन फ्रॉम द ओवेस इफ समथिंग चेंज ओवर दॉट अपडेट ओवर दो वन ऑफ देम कम इन टू द इम्पैक्ट वॉट इट ना क्या बोल रहा हूं सिंपल ड्यू टू लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट बाइंडरी कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज़ मल्टीपल एप्लीकेशन दे आर नॉट आइसोलेटेड दे आर शेयरिंग कॉमन एरिया दे आर दे इंगेज सिंगल ओएस, जब वो एक ओएस से इंगेज हैं, सो दे आर शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी सो कोई भी ओएस पे आने वाली अपडेट अगर लाइब्रेरी को अपडेट मारती है तो अपडेट जो हुआ लाइब्रेरी वो किसी एक को इनकम्पेटेबल करेगा क्या करेगा जैसे सपोज करो ये एक ओएस है इस ओएस में जो लाइब्रेरी का वर्जन था ना वो एक्स था आई हैविंग वन लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड एक्स वन पॉइंट वन विच वॉच कम्पेटिबल ऑन इनिशियल टाइम फॉर बोथ एप्लीकेशन आई हैविंग टू एप्लीकेशन विच रिटिन वन रिटन इन पाइथन लैंग्वेज और सेकेंड इन टू द क्या पी एच पी इनिशियल टाइम मतलब जब मैंने होस्टिंग की थी एप्लीकेशन की सो so, दोनों ही क्या थे क्या थे कंपटेबल थे सो सेम टाइम चल रहा था बट इन फ्यूचर वी अप्लाइड सम सिक्योरिटी पैच वी अप्लाइड सम कर्नल पैच ओएस की जब मैंने पैचिंग की पैचिंग में हुआ क्या वी गॉट अपडेट लाइब्रेरी वर्जन ये वर्जन क्या हो गया ये वर्जन क्या हो गया वन पॉइंट थ्री हो गया सो ड्यू टू दिस अपडेट योर पाइथन डैट बेसिकली

उसमें पाइथन का जो कंपेटेबल वर्जन था पुराना वाला डालें और उसको प्रिपेयर करके दे दें सो so, यही प्रोसेस था अर्लियर जो हम फॉलो करते आ रहे हैं तो अब एक बंदा बोलता है कि यार समथिंग ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट में नहीं है क्या कि जिससे वी आर एबल टू आइसोलेटेड लाइब्रेरी एक मशीन में दो एप्लीकेशन चलें बट दिस शुड नॉट बी शेयर्ड कॉमन लाइब्रेरी दिस शुड हैव डेडिकेट लाइब्रेरी जिससे बेनिफिट क्या होगा जिससे बेनिफिट क्या होगा कि ओएस पे आने वाली कोई भी अपडेट अगर मेरी एप्लीकेशन अपनी लाइब्रेरी को आइसोलेट करके रखेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से शेयर नहीं करेगी तो ओएस पे आने वाली कोई भी अपडेट या इस एप्लीकेशन पे आने वाली कोई भी अपडेट उसको इम्पैक्ट ही नहीं करेगी तो कंसेप्ट यह हम चाहते थे कि कुछ ऐसा लेके आओ जिससे वी आर एबल टू आइसोलेटेड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फाइल्स एप्लीकेशन लाइब्रेरी फंक्शन अगर आपके आइसोलेट हो गए एक ओएस के अंदर तो एक टाइम पर वी कैन इजीली रन मल्टीपल एप्लीकेशन विदाउट हैविंग एनी लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट तो ये कुछ लेने लेके आने का मकसद था हमारा तो मार्केट में अब एक नया वर्चुलाइजेशन आया जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं सो कंपनी आर मूविंग ऑन क्या बोलोगे आप लोग एक बंदा वहां से एडमिट करो मुझे आंसर दो कि जब ऑलरेडी वी हैविंग कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर वेस्ट वर्चुअलाइजेशन क्या तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे

ट कैन नॉट एलोकेट टू मोर मशीन फॉर टू एप्लीकेशन वो चाहते क्या है कि इनको भी उठाओ इन दोनों को लो और कहां लेके आओ कहा दे वॉन्ट होस्ट ए पी और सी जिससे क्या होगा बेनिफिट बताओ सर यूज कॉमन वॉइस इन दर्म ऑफ डॉक

वी वॉन्ट आइसोलेटेड इन साइड द ओ एस जिससे ओएस पे आने वाली कोई भी चीजें उसको इम्पैक्ट ना करे सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंटेनर या दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओ एस वर्चुअलाइजेशन सो नाउ यू आर हेयर आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या पढ़ रहे हैं आप लोग यू आर लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन या इसी को नाम दो क्या क्या नाम दिया कंटेनर बेस्ड प्रोविजनिंग तो लाइफ स्टाइल कितना चेंज हुई कुछ नहीं हुआ हमने मल्टीपल मशीन रिजर्व ना करके हमने एक ही मशीन के अंदर वी क्रिएटेड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मैं आपसे एक लाइन पूछूं बताना मुझे एक पार्टीशन में एवीसी एवीसी नाम की तीन फाइल एक टाइम पर रख पाऊं क्या तरीका है डिफरेंट

कंटेनर डज एप्लीकेशन की लाइफ में वो काम कौन कर रहा है आपके लिए कौन करता है कंटेनर कंटेनर के अंदर पूरा ओएस नहीं होता कंटेनर ने जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दिया उस इन्वायरमेंट में खाली बस योर एप्लीकेशन नीडेड फाइल एप्लीकेशन जावा की एप्लीकेशन को जावा चाहिए ना तो उस कंटेनर के फाइल सिस्टम में सिर्फ जावा इंस्टॉल्ड है बस नथिंग इज उसमें पूरा ओएस नहीं है लोग कहते हैं तो कहते हैं सर OS BM की हार्ड डिस्क मशीन का मशीन की जो डिस्क होती है इमेज वो और कंटेनर्स की इमेज में क्या फर्क है यार मशीन की इमेज तो so वो एक यारिस्टम है उसमें कर्नल है है फाइल सिस्टम उसके अंदर बट जो कंटेनर्स की इमेज है ना इट्स लाइट वेट माइक्रो मशीन इट डोंट एप्लीकेशन जैसे यू वॉन्ट टू जावा एप्लीकेशन सो इन कंटेनर आई विल ओनली पुट जावा जेडी के इट नथिंग एल्स वॉट इट ना ब्रॉदर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अपना आंसर चैट पे डालो कैरी सॉरी कंटेनर्स के बेनिफिट बेनिफिट आपसे पूछे आते हैं हैं कि सर इसके क्या-क्या होते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप सिंपल सी बोल सकते हो कि सर प्रोविजनिंग की लाइफ बहुत ईजी हो गई प्रोविजनिंग का टाइम इंफ्रा की कॉस्टिंग ओ की लाइसेंसिंग ओएस की मेंटेनेंस राइट right? और आज कंपनी क्विकली एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इन अकेंड्स कंटेनर्स को बनाने में और मशीन को बनाने में टाइम टाइम Obviously, बात है सर ये तो ओवेस है पूरा इट विल टेक टाइम इन बूट अप इन वार्म अप बट कंटिन्यूस है सेकेंड्स तो ऐसा बोलते हैं कि एप्लीकेशन का अपडेट टाइम एप्लीकेशन का रोल बैक टाइम और लॉन्च टाइम बहुत फास्ट हो गया किसके आने से कंटिन्यूस के आने से क्यों हुआ सपोज करना आपकी एप्लीकेशन का अभी जो वर्जन था वो 1.7 था

सॉफ्टवेयर का रोल बैक टाइम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया इन कंपेयर टू बीएम प्रोविजनिंग तो लास्ट में ऐसा ऐसा सर एक क्विक क्वेश्चन था हाँ लाइक uh, like, मैं ब, बस अपना थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहता था जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में हमने डिफरेंट एक ही मतलब फिजिकल मशीन में हमने डिफरेंट हार्डवेयर को

कॉन्फ्लिक्ट आपस में हो रही है वो आपकी प्रॉब्लम है मतलब hmm, okay. आप अब क्लियर हो गए सर ये ये यही यही क्वेरी थी राइट अब आप लोग अगर मैं आई एम पार्ट ऑफ प्रोविजनिंग टीम तो मुझसे आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि एक ही ओएस के अंदर दो एप्लीकेशन ही चल पा रही है एक साथ दिस इज योर ओएस लिमिटेशन ना दिस इज योर ओएस लिमिटेशन इसका सॉल्यूशन आप निकालो आई कैन नॉट कमेट सम कि भाई इसमें ऐसा कुछ क्यों हो रहा है आई जस्ट मेरी जॉब ये थी कि आपको मशीन चाहिए आपको मशीन दे दूंगा अब उस मशीन में चार एप्लीकेशन रन करना चाहते हो आप दो रन करना चाहते हो इट्स योर जॉब आपने बोला कि यार मेरी दो एप्लीकेशन एक साथ नहीं चल पा रही तो मैं आपसे बोलूंगा यार इट्स अप टू यू ना यू शुड गो विध न्यू न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल कंटेनर दैट आइसोलेटेड योर लाइब्रेरी फंक्शन तो जहां क्या होगा एक ओ के अंदर अब आप लोग यू कैन रन एन नंबर विदाउट हैविंग

How to update new containers? So this is your role basically. Why company okay. they hired Docker admin? <laughs> आपसे पूछा आप 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 मुझे तो पूछ आपको दूंगा मौका भी, हाँ। मैं क्या बोल रहा था कंपनी में डॉकर एडमिन की जॉब क्या है सर आप जो हमको पढ़ा रहे हो तो हम कंपनी में क्या व्हाट वी विल ऑब्वियसली बात है

एक बात बोल दी बताया आपने क्या डॉक्टर ओके, 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 ओके। ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉकर के आने से वी कैन रिप्लेस किया वर्चुअलाइजन जब अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वर्चुअलाइज है तो उस टेक्नोलॉजी के बंदी तो आपके पास पहले होनी चाहिए ना इसमें तो जॉब क्रिएट ज्यादा हुआ है ना फिर तो अगर एक मिनट तो। आपने फिजिकल बॉक्स लिया एक मिनट बस और उस फिजिकल बॉक्स में ही आपने क्या सीधा क्या डाल दिया क्या डाल दिया ओएस और देन क्या जो अभी बस क्या बोल रहे थे कंपनी हमारी कंपनी सर क्या हो रहा है वी वांट टू रिप्लेस वर्चुअलाइजेशन ओपनस्टैक वीएमवेयर सब कुछ हम खत्म करना चाहते हैं सो फिजिकल बॉक्स के अंदर ही डायरेक्टली यू आर पुटिंग क्या डॉकर इस केस में बोल सकते Docker. हो हाँ इस केस में बोल सकते हो आप लोग कि वी डू नॉट नीड एनी वर्चुअलाइज्ड एडमिन क्या okay. समझे

डॉकर डॉकर तो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है इस... ये तो एक एडवांटेज है कि हाँ, कि इट्स योर यूज केस डॉकर को आप रन करना कहा चाहते हो आप एक मिनट होल्ड करना मैंने अमेजन क्लाउड से एक मशीन काटा तो जब मैंने मशीन काटा तो ऐसा मत बोलो कि डॉकर ने क्लाउड रिप्लेस कर दिया अरे इन्फा की टीम ने तो मशीन बना के दी पहले ना तो वर्चुअलाइजेशन तो पिक्चर में आया राइट अब okay, आज़े, आज़े। इन्फा ने तो मुझे मशीन दी अमेजन ने तुमको फिजिकल सर्वर थोड़ी दिया बना के कि ले जाओ नहीं ना अमेजन ने आपको जो मशीन दिया वो गेस्ट ओएस दिया आपको थे, थे, थे. पहला पॉइंट अब गेस्ट ओएस में इट्स योर चॉइस कि एप्लीकेशन डायरेक्टली यू वांट टू होस्ट या यू वांट टू होस्ट एप्लीकेशन थ्रू कंटेनर ठीक है अब आप मुझे आंसर देना ओके. अगर मैं क्लाउड की मशीन में क्लाउड से बीएम एम काटू एक बीएम एम दस जी रैम का क्लाउड की दस 10वीं मशीन ली मैंने क्लाउड से उसमें मैंने क्या किया डायरेक्टली आई वांट स्टार्टेड टू एप्लीकेशन विदाउट कंटेनर जावा पाइथन दो चला दिया मैंने यहाँ right? राइट तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई है क्या ऐसे किसी क्या ड्रॉप हो गया मुझे अच्छा तो है जनक लाइब्रेरी उसमें

क्योंकि वो अमेजन क्लाउड को बीस जीबी का ही पैसा पे करेगा बस दस जी सॉरी कितना दस जीबी रैम का ही कॉस्टिंग पे करेगा आपको तो तुम अब अब आपकी ये स्मार्टनेस है यू आर सिस्टम एडमिन तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि सिस्टम एडमिन के स्किल्स में ही एक वर्ड आता कंटेनर वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों ना क्या करे आइसोलेट कर दे OS के अंदर दो एप्लीकेशन को आइसोलेट कर दे तो आइसोलेट बनाने के लिए उसको डॉकर कंटेनर डालना पड़ेगा तो इसका मतलब अमेजन की अमेजन के बीएम के अंदर यू हैव सेटअप डॉकर तो यहाँ पर कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ तुमको बेनिफिट हुआ किसका बस कंटेनर्स का

लेकिन नेटवर्क क्लाउड का जो ऑनर है ना उसका फायदा नहीं होता इट ना पहला मेथड पहला मेथड पहला मेथड ठीक है अब या तो नेटवर्क क्लाउड क्या करे अपना डेटा सेंटर ओपन करे और अपने डेटा सेंटर में एक फिजिकल बॉक्स लेके आए उस पर डाले ओएस और डॉकर डाल के दे कैन स्टार्ट सेटअप बोलो तुम कि अब नेटवर्क क्लाउड को वर्चुअलाइजेशन एडमिन हायर करने की नीड नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि उन्होंने फिजिकल बॉक्स के ऊपर ही सीधा सीधा ओवस डाल के और देर तो इट्स योर यूज केस आपने क्या माइंड लगाया आपका इंप्लीमेंटेशन क्या है बेसिकली वॉट इट नाइज नो एडवांटेज नो एड एडवांटेज तो ये है कि यू डोंट रिक्वायर टू परचेस हाइपरवाइजर लाइसेंस

राइट ओके ओके। तो okay. 99, सारा ही नाइन हो गया हाँ तो 99 नाइन परसेंट कंपनी डॉकर कंटेनर को वर्चुअलाइजेशन के अंदर यूज करती हैं। ऐसा बोलो क्या वर्चुअलाइजेशन के अंदर डॉकर मतलब ये तरीका होता है कौन सा वाला ये वाला तरीका दिख रहा है आपको

एप्लीकेशन जितना रैम पहले यूज कर रही थी सेम मेमोरी विल टेक इन साइड कंटेनर देर इज नो मेमोरी सेविंग सेविंग क्या हो yeah, रहा है नो, नो कैन सेविंग एक ही मशीन के अंदर चार एप्लीकेशन हो गई तो आज ये तीन मशीन किसी और को दे सकते हैं पहले क्या था पहले चारों मशीन एक ही टीम हाँ लेके बैठी थी उसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहे थे कह सकता नहीं हाँ? समझे अब चारों मशीन का जो कॉस्टिंग था वो इसका इनिशियल रैम इनिशियल सीपीयू राइट आई थिंक बहुत हो गया इसके ऊपर अब आप समझ गए होंगे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं हम्म राइट चेन्नई ने हम तो सर मैंने एक क्वेश्चन डाला था Zoom के ऊपर आपका एक क्वेरी था मैं इसको लेता हूं अभी क्या नाम है आपका बोलो प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन एच वी एम एच बी मतलब एंड ऑल हाँ ये क्या है थोड़ा सा topic से हम हटके जा रहे हैं लेकिन ठीक है आपने पूछ लिया है तो मना नहीं कर सकता मैं सिंपल सा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के ये दो प्रिंसिपल हैं कौन से एक पैरा एक फुली ऐसा होता है नॉट वर्चुअल जो आपने बोला करो टेन बोल दिया है, फुली पैरा होता है ऐसा बोला करो राइट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो आता है मार्केट में उसका जो हाइपरवाइजर है उसमें दो फंक्शन होते हैं वो या तो पैरा में काम करता है या फुली में काम करता है फुली क्या होता है फुली वर्चुअलाइजेशन होता है जैसे जैसे मेरा ये विंडो मशीन है कौन सा ये मेरा विंडो मशीन है और मेरे पास जो हार्डवेयर है ना उसमें प्रोसेसर इंटेल का है सॉरी निक जो है वो निक्का है गीगा वाइट सपोज करना अब ये जो विंडो मशीन है या सपोज करना इसमें जो हार्ड डिस्क है ना उस हार्ड डिस्क का जो पोर्ट है वो एसकेजी है कौन सा पोर्ट है हार्डवेयर में जो बॉक्स में जो डिस्क लगी हुई है ना उसका पोर्ट एसकेजी पोर्ट है ऐसा मानो क्या होता है भूल जाओ एक पोर्ट होता है टाइप क्या उसका जी है विंडो कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड एसकेजी मतलब तुम्हारा हाइपरवाइजर अब इस डिस्क को वर्चुलाइज नहीं कर पाया इसके किसके लिए विंडोज के लिए क्यों क्योंकि विंडोज का कर्नल विंडोज के कर्नल की इंस्ट्रक्शन जो आ रही है उसको तुम्हारा हाइपरवाइजर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि एसकेजी को विंडो समझता नहीं है राइट right? ओके okay. तो तुमको यहां ऐसे कुछ ड्राइवर डालने पड़ेंगे जो तुम एस के जी को समझो इसको बोलते हैं पैरावर्चलाइजेशन क्या बोलते हैं okay. ठीक है 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 जबकि कहता वर्च है, वर्च है। कहता जबकिस्टैंड इजिली एस के जी क्या होता है यू डोंट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल पैकेज फॉर इन माई कर्नल मेरे कर्नल में यू डोंट रिक्वायर्ड टू एनी आई कैन डायरेक्टली इंटरप्रेट योर योर डिस्क लैंग्वेज सो so, इसको बोलते हैं फुली वर्चुलाइजेशन okay, ओके फुली वर्चुलाइजेशन मतलब फुल वर्चुलाइज है आई कैन अंडरस्टैंड आपको मुझे इंटरप्रेट करो मैं बता के आपको ले लूंगा मेरे पास तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है मुझे किसी अलग से पैकेज की नीड नहीं है समझाने के लिए ठीक है तो ये टॉपिक तो हम थोड़ा अलग चले गए ये हमारा पार्ट नहीं था हम लोग कहाँ थे और तो एक चीज और बताएंगे आजकल जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है तो उसमें हाइपरवाइजर नहीं आता ना हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ही हाइपरवाइजर है ब्रदर हाइपरवाइजर ही प्रोवाइड क्या बिना हाइपरवाइजर हाउ विल अचीव हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं नहीं जो कंटेनर बेस्ड है कंटेनर बेस्ड है उसमें उसमें वी डोंट यूज लाइक हाइपरवाइजर तो सीधा होस्ट के ऊपर ही हमने कंटेनर अमेजन हाइपरवाइजर तो हो, होना ही होगा मुझे बोले तो आप मुझे आंसर देने दे करो आप लोग वरना ऐसे क्लास चल नहीं पाएगी ज्यादा मैं ये बोल रहा हूँ अमेजन क्लाउड ने जो मशीन दिया दैट मीन्स इन अमेजन डाटा सेंटर साइड दे आर यूजिंग एनी हाइपरवाइजर दैट्स वाई वी ऑल आर एबल टू सेटअप बीएम ओवर द क्लाउड राइट तो अमेजन मैं समझता हूँ दे, तो इस, आप ये बोलो कि डॉकर को हाइपरवाइजर चाहिए क्या तो उसका आंसर नो है नो नो नॉट लेकिन दिस रिक्वायर्ड कि नहीं डॉकर चलाना है तो हैव हाइपरवाइजर ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपसे डॉकर को तो ओएस चाहिए ओएस कहां चलता है या तो फिजिकल के ऊपर या वर्चुअलाइजेशन के अंदर गॉट इट ओके क्योंकि आप... हमारे यहाँ कैसे है उन्होंने, के ही उन्होंने? आ, आ, हुई है। तो मैं क्या बोल रहा रहा था अभी तो, आप ये ये, ये।, ये जो दिखा रहा हूं आपको ये है implementation one. इसको बोलते हैं inside the hardware virtualization. क्या बोलते हैं उसको और तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी कंपनी में जो मैं अभी आपसे बोल रहा था नेटवर्क क्लाउड एग्जांपल दिया था मैंने कि नेटवर्क क्लाउड के ऑनर ने क्या किया अपनी कंपनी में एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और डॉकर डाल के सीधा सीधा नाउ दे आर रनिंग कंटेनर दिस इज सेकेंड यूज केस इसके ऊपर बात पहले हो चुकी है अभी ये जो आप बोल रहे हो तो यहाँ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के में नहीं आया नहीं आया ना ओके गॉट इट ना यहाँ पे क्या होगा कि अगर सारी एप्लीकेशन हमारी लिनक्स बेस्ड है या फिर सारी विंडो बेस्ड है तो ये वाला फंडा एप्लीकेशन कुछ जावा आ, कि मुझे विंडो का मशीन चाहिए बता हुआ। ये तो हा, हा, आपका बॉक्स कहाँ चला गया पूरा आपका तो अब नेटवर्क क्लाउड के बंदे को यह करना पड़ेगा एक नया बॉक्स ऐसे ही परचेज करना पड़ेगा

उनको बस लग रहा है ऐसा कि टेस्टिंग करनी है प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली यू कैन गो बिथ दिस स्टाइल नो प्रॉब्लम ठीक है ना